हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ आरजे सनी और लेके आई हूं सुप्रिया सिंह की कहानी किरंच का पहला भाग। सावन का आखिरी सोमवार था। ननद बड़े प्यार से उसके हाथों में मेहंदी लगा रही थी। भाभी, कल आप चली जाएंगी? सुबह आपके भाई लेने आ रहे हैं। वो धीरे से मुस्कुराई। कैसे कहे कि वो नहीं जाना चाहती, नहीं जाना उसे उन गलियों में दोबारा जहां से वो अपनी लाश ढोकर लाई थी। कभी ये बारिश उसका पसंदीदा मौसम हुआ करता था। बंद आंखों पर उसकी हथेलियां आज भी वो महसूस कर पा रही है। कितनी तेज बारिश थी उस दिन जब वो पहली बार तरुण से मिली थी। अरे रे रे, मैडम ध्यान से देख कर चलिए, गिर जाती हैं अभी। बड़े आए हमको संभालने वाले, लड़की देखी नहीं और लगे चांस मारे। छोड़ मेरा हाथ। मैंने उससे अपना हाथ छुड़ाया। अजीब नकचड़ी है, एक तो गिरने से बचाया और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लीजिए, नहीं मारते चांस। उसने पकड़ा हुआ हाथ छोड़ दिया। धड़ाम से सड़क पर पानी में भरे गड्ढे में गिर पड़ी और वो मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। 3 साल बाद वो अपने शहर लौटी थी। उसके पिता की इच्छा थी कि वो अपनी पढ़ाई बेस्ट कॉलेज से करे। कल ही MBA का अंतिम पर्चा था, जिसके बाद वो यानी सुमेधा अपने शहर कानपुर भागी चली आई थी और आते ही कानपुर की सड़क ने उसका स्वागत अपने अंदाज में किया था। घर आकर माँ से डांट पड़ी और सर्दी की वजह से बिस्तर पकड़ लिया। रात को ऊपर कमरे में खटर पटर की आवाज से नींद टूटी। माँ, ये ऊपर रूम से आवाज कैसी आ रही है? अरे बिट्टू, तू थी नहीं यहाँ तो घर काटने को दौड़ता था। तेरे पापा ने वो रूम मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को दे दिया है। भले बच्चे हैं, देर रात तक पढ़ाई करते हैं, अभी खाना बना रहे होंगे। अच्छी, मुझे भीगने से शायद सर्दी लग गई थी। बिट्टू, तू भी ना। रुक, अभी कुछ करती हूँ तेरे लिए, नहीं तो तेरे साथ हम भी नहीं सो पाएंगे। तरुण जी, आंटी जी आया, ऊपर से एक आवाज आई। बेटा जरा नीचे आना। जी अभी आया। तुम यहां भी? उसने मेरी तरफ देखकर बोला। क्या यहां भी? मेरा घर है ये। तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने गुस्से से नाक सिकोड़ी। तो मैं भी यहीं रहता हूं, वो भी कम नहीं था। माँ हम दोनों को देखती रह गई। तुम दोनों मिल चुके हो क्या? अरे नहीं आंटी जी, आज ही इनको देखा था, सड़क के गड्ढे में स्विमिंग कर रही थी। माँ उसके कहने के अंदाज पर हंस पड़ी और मैं अंदर तक जल भून गई थी। देख लूंगी बच्चू, अब तो मेरे ही घर में हो, जाओगे कहाँ? माँ के कहने पर वो मेरे लिए मेडिकल स्टोर से दवा ले आया। उसके बाद तो जैसे मुझे मजा आने लगा था उसके काम बिगाड़ने में। वो कॉलेज जाता तो उसके धुले हुए कपड़े जमीन पर फेंक आती। कभी वो माँ से सब्जी मांगता तो ढेर सारी मिर्ची डालकर दे आती। बेचारे की सीसी की आवाज से मन को सुकून मिलता। उस दिन भी वो बारिश में भीगा हुआ आया था, ठंड में कांप रहा था। माँ को तरस आ गया, चाय का कप देकर उसके रूम में भेजा था। पहली बार आज मैं उसके रहते उस कमरे में गई थी। सामान के नाम पर मुश्किल से 2-3 जोड़ी कपड़े ही थे उसके पास। गीले कपड़ों को सुखाने के लिए फैला कर पतली सी चादर लपेट रखी थी उसने। उसे देखकर चौंक गया था, जल्दी से अपना बदन छुपाकर यही बोल पाया, क्या जरूरत थी, आपको यहां नहीं आना चाहिए था। कमरे के हालात उसकी कहानी बता रहे थे। एक तरफ उसके दोस्त का पलंग था और दूसरी तरफ नीचे चटाई पर बिछा हुआ एक पतला सा गद्दा, जिसकी चादर शायद अभी उसको आते देख तरुण ने लपेट ली थी। जल्दी से नीचे उतर आई। माँ, ये जो रूम आपने दिया है, कुछ जानती भी हो इन लड़कों के बारे में? जानती हूँ, माँ ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया।
तुझे क्या जानना है ये बता। वो जो तरुण है ना, कुछ अजीब सा नहीं लगता आपको? मैंने माँ को कुरेदा। किस्मत का मारा है बेचारा। माँ बाप एक एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए। एक बहन है जो कभी कभी मिलने आ जाती है। पढ़ने में तेज़ है इसलिए स्कॉलरशिप मिली है। बाकी टाइम में एक दुकान में काम करता है तो खर्चा निकाल लेता है। सुना है बहुत अमीर घर का बच्चा है। पिता के मरने के बाद इसके चाचा ने सारी जायदाद हड़प ली। बहन की शादी भी इसने ही जैसे तैसे की है। तभी तो मुझसे जितना हो सकता है मदद कर देती हूँ। खुद को बहुत गिरा हुआ महसूस कर रही थी। एक ही पल में अचानक से अपनी ज्यादतियाँ याद आने लगीं। तरुण के प्रति सुमेधा का व्यवहार बदला या नहीं? उन दोनों की कहानी में क्या मोड़ आया? ये जानने के लिए सुनिए किरंज का दूसरा भाग।